सौ समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव, आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर वन इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगी आपको कैसा बीतेगा आपके लिए ईयर 2021। उम्मीद यही है कि 2020 से बेहतर बीते, क्योंकि 2020 में जिस तरीके की परेशानियों से हम रूबरू हुए हैं, उन परेशानियों को हम दोबारा 2021 में ना देखें। तुला राशि के जातक, काफी उठापटक भरा रहने वाला है आपके लिए ये साल। नौकरी बदलने की अगर सोच रहे हैं तो आप बदल लेंगे। आपकी जिंदगी में होने वाले कुछ फालतू के खर्चे आपको थोड़ा सा परेशान कर देंगे। किसी कॉम्पिटिशन की अगर तैयारी में जुटे हैं तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। मैरिड लाइफ और आपकी संतान क्या करने वाली है इस साल, ये भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगी कि आपकी लव लाइफ कैसी बीतेगी। तो चलिए मैं आपको कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। फिलहाल करियर से शुरुआत करते हैं। राशि अगर आपकी तुला है तो करियर के क्षेत्र में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जून से जुलाई के बीच में जो मंगल का गोचर हो रहा है आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा, इसकी वजह से आपको आपके काम में काफी लाभ होने वाला है। हालांकि इस समय आपका किसी से कुछ झगड़ा हो सकता है, कोई कहासुनी हो सकती है, इसकी प्रबल आशंका दिख रही है। थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, सावधान रहेगा, क्योंकि फिलहाल आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव में होगी और इसकी वजह से साल भर आपकी मेहनत के योग बनते नजर आ रहे हैं। ईयर 2021 में आपकी कुंडली में 6 अप्रैल को जो बृहस्पति का गोचर होगा कुंभ राशि में, इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और क्या होगा तो आप नौकरी बदल पाएंगे और दूसरी नौकरी आपको पहली नौकरी से ज़्यादा बेहतर मिलेगी, पोस्ट, पोजीशन, सैलरी, हर चीज़ के लिहाज से। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको किन कामों को प्रायोरिटी देनी है वो सुन लीजिए। ऐसे कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए जिसमें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छलकती हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिजनेस में काफ़ी बूम मिलेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप करने की अगर सोच रहे हैं तो फिलहाल रुक जाइएगा, मैं बताऊंगी फिर आपको कब करना है पार्टनरशिप, अभी ये वक्त नहीं है। फरवरी टू अप्रैल का जो वक्त है ये आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है। सेप्टेम्बर के बाद आपको काम के सिलसिले में हो सकता है अब्रॉड जाना पड़े। अप्रैल टू मई के बीच का जो वक्त होगा ये आपको अच्छे नतीजे देगा, क्योंकि इस दौरान आपके सितारे बुलंदी पे रहेंगे। इसके बाद थोड़े उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर से जून से जुलाई के बीच का जो फेज होगा आपको भाग्य का साथ मिलेगा और करियर एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। इस महीने मतलब मई में, जब मिडिल मई में आप होंगे तो हो सकता है कि आपका कोई ट्रांसफर भी हो जाए। अब इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है तो आर्थिक जीवन कैसा रहेगा ये भी जान लीजिए। तो शुरुआत तो बेहतर रहने वाली है, खासतौर से मार्च, जून, जुलाई और अगस्त अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सितंबर में खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, ये आपको परेशान करेंगे। साल की शुरुआत में कोई शुभ काम आपके पैसे जमकर खर्च करवाने वाला है, सोच समझ कर अपने खर्चे कीजिएगा ताकि बैलेंस में रहे आपका खर्चा। इस साल परोपकार के जो आप काम करेंगे उसमें आपके अच्छे खासे पैसे खर्च हो सकते हैं। हालांकि साल में आपके राहु अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे तो फालतू के खर्चों का योग तो बन रहा है, थोड़ा परेशान आप इसी वजह से हो सकते हैं। और आपको परेशानी हो जाएगी अगर आपको माताजी से लाभ नहीं मिला तो माताजी से आपके लाभ के भी योग यहां पर दिख रहे हैं बनते हुए। अप्रैल टू सितंबर का जो वक्त है ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई मन लगाकर कीजिएगा तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इससे आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आप पा सकते हैं। अगर आप 2021 में हायर एजुकेशन के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आप ज़रूर कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आगे आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी में जुटे हैं तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे पॉजिटिव। पढ़ाई में किसी तरीके की मेहनत से जी मत चुराइएगा, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलते चले जाएंगे। मई टू अगस्त के बीच का जो वक्त है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस दौरान आपको जो मेहनत आपने करी हुई है वो आपको बुलंदियों पर ले जाएगी। विदेश अगर पढ़ाई के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं पूरे। फैमिली लाइफ कैसी बीतेगी ये भी जान लीजिए। तो ये 2020 में शनि तुला राशि के जातकों के चौथे भाव में रहेंगे, घर से दूरी बनने की संभावना दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये दूरी कोई पारिवारिक लड़ाई की वजह से हो या ये किसी गलत वजहों से ही हो, आप दूर हो जाएंगे व्यस्तता की वजह से। जैसे मैंने बताया कि आपके जॉब में ट्रांसफ़र के योग बन रहे, तो हो सकता है कि आप काम करने कहीं और चले जाएं।
माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। ये साल आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा परेशानी भरा है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण भरा दिख रहा है। माता जी की सेहत का इसीलिए मैं ख्याल रखने आपको कह रही हूँ। 15 सितंबर से 20 नवंबर के बीच का जो वक्त है, आपके पूर्वजों के मकान की मरम्मत वगैरह की इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा घर के रख रखाव पर भी खर्चे हो सकते हैं। इस साल आपको आपके छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग और सुख मिलेगा। आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है। चलिए वैवाहिक जीवन भी सुन लीजिए कैसा रहेगा आपके लिए इस साल में। तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा जितना अच्छा आपका करियर, आर्थिक जीवन रहेगा या फैमिली लाइफ रहेगी, क्योंकि साल की शुरुआत में मंगल आपकी राशि से सप्तम में हो रहे हैं और आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा करवाहट वाला बना रहे हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी और इसके बाद फरवरी से लेकर के आप अप्रैल के बीच का जो फेज होगा ये भी बहुत ज़्यादा अनुकूल मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इस समय आपके अष्टम भाव में राहु और मंगल की युति हो जाएगी। इससे क्या होगा, ससुराल पक्ष से विवाद हो जाएगा, कहासुनी हो जाएगी। हालांकि मिड अप्रैल से लेकर फिर मई का जो पूरा महीना है इसमें रिश्ते सुधार की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्या ही फ़ायदा जब चीज़ें गड़बड़ हो जाएं। तो इसलिए रिश्तों का आकर्षण कायम रहे, चीज़ें ऐसी ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जून के महीने में आपके मान सम्मान में किसी तरह की कोई ठेस पहुँच सकती है, तो थोड़ा संभल कर। तुला राशि में अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी संतान है तो इसके लिहाज से ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि बीच बीच में आपके संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं वो, तो उनके हेल्थ को थोड़ा फोकस कीजिएगा। अप्रैल के बाद आपके संतान के कार्यक्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी जिससे आपको बहुत खुशी होगी। पढ़ाई के लिहाज से उनके लिए ये साल बढ़िया रहने वाला है। लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी ये भी जानने का वक्त है आपके लिए, तो सुन लीजिए। लव लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है। इस साल कई लोगों को प्रेम में सफलता मिल सकती है, यानी कि उनका प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकता है। कुल मिलाकर इस साल आपके प्यार में अच्छा वक्त बिताने का मौका आपको मिलेगा, अवसर आएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपके लिए बेहद लकी है। अप्रैल टू सेप्टेम्बर इसमें क्या होने वाला है, खुशियां आपकी और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने और अपने पार्टनर से रिश्ते को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाएंगे, इस पर आप काम करेंगे, वक्त देंगे। और ये क्या करेगा, तो ये रिश्ते में मजबूती बढ़ाएगा, प्यार बढ़ाएगा। इस साल प्यार का दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे आपके लिए कुछ खास रहने वाला है और आपके रिश्ते में प्यार बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। फरवरी, मई, जुलाई और दिसंबर के महीने में आपके लिए कुछ खुशनुमा एहसास होंगे। दिसंबर का महीना एक बार फिर खुशियां लेकर आएगा आपके जीवन में और आपके पार्टनर को उनकी मनचाही नौकरी भी मिल सकती है। अब सेहत भी सुन लीजिए कि आपको कितना अलर्ट रहना है, किन मामलों पर थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना है इस पूरे साल, क्योंकि सेहत आपकी डवाडोल हो सकती है। अष्टम भाव में होंगे राहु, दूसरे भाव में केतु मौजूद होंगे, तो ये आपको कुछ दे चाहे नहीं दे भ्रम की स्थिति तो ज़रूर देंगे। बासी भोजन मत कीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मत कीजिएगा, नहीं तो इससे आपको परेशानी होगी और इस परेशानी से जूझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस साल किसी भी तरह के कोई बड़े रोग की संभावना तो नहीं दिख रही, ऐसी कोई आशंका नहीं है, लेकिन भी आपको सेहत का ख्याल रखना है। कुछ उपाय मैं आपको बता दे रही हूँ, ये उपाय अगर आपने साल भर किया तो आपकी लाइफ और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। आपको अपनी राशि के स्वामी को अगर मजबूती देनी है तो ओपल पहन सकते हैं तो पहनिए। शुक्रवार के दिन चांदी की अंगूठी जो अनामिका उंगली में पहनना बेहतर होता है, इसे पहन सकते हैं आप। गौ माता की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सेवा कीजिए, आटे की लोई खिलाइए उनको और फिर पीठ पर 3 बार ऐसे हाथ फेर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में अगर पंच धातु या अष्ट धातु की अंगूठी पहन पाएंगे नीलम में तो बहुत बढ़िया है और वर्क प्लेस में ये आपको जबरदस्त फायदा देने वाला है। बुधवार का दिन चुनिए, पंछियों के जोड़ों को पिंजरों से आजाद कीजिए, ये आपके भाग्य खोलेगा। लकड़ी वाला कच्चा कोयला सिर से 7 बार वार लीजिए और बहते जल में से प्रवाहित कर दीजिए, इससे भी आपको बहुत अनुकूल परिणाम मिलेंगे। तो आपका ये साल बहुत बढ़िया बीते, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आपको करना क्या है, आपको अपना ख्याल रखना है और नोटिफिकेशन पर वापस लौटना है, क्योंकि आपको आपके भविष्य की जानकारी मिल जाएगी वर्तमान में ही, जैसे अभी आपको पता चल गया कि आपका आने वाला साल कैसा बीतेगा। ख्याल रखिए अपना, नमस्कार।